कोई रिग्रेट्स नहीं है, सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन पहले तो मैं कहूँगा कि टीम जीतनी चाहिए, जो कि माशाल्लाह से हम लोग जिस तरह पिछले 5 मैचेस से हमने क्रिकेट खेली है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बॉयज़ के साथ, सारे जेल अप हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, एक फैमिली की तरह माहौल बना हुआ है। तो मेरे लिए सेंचुरी मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए मेरी टीम की परफॉर्मेंस पहले मैटर करती है। आर्ट तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है ग्राउंड में जब अपने होता हूँ अकेडमी वगैरह में जब प्रैक्टिस करता हूँ तो ज़्यादातर डाउन द ग्राउंड मारने की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी पे काफ़ी भरोसा है कि मैं जब हिट मारूँगा तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस तरह मैं 2-3 मैचेस से बाउंड्रीज लगा रहा था लेकिन मैं आउट जल्दी हो रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि इस दफ़ा कैश इन करूँ और अपनी इनिंग्स को और लंबा करूँ, तो आज मैंने वो किया और माशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों के सामने। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से मैं इतना अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 इनिंग्स ऐसी मिस की हैं जिसमें मैं और कैश इन कर सकता था, लेकिन कोशिश यही होगी कि आगे के जो मैचेस आ रहे हैं सेमीफाइनल वगैरह और अभी जो हमारे नेक्स्ट राउंड का मैच है उसमें भी परफॉर्म करूँ इंशाल्लाह। तो कोशिश यही होगी कि आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं उसमें परफॉर्म करूँ और अपनी टीम को और आगे लेके जाऊँ। मैं यही कहूँगा कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप बड़े नाम से नहीं जीतते, आप अच्छी टीम कॉम्बिनेशन से जीतते हैं हमेशा। तो माशाल्लाह हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अभी बहुत अच्छा हुआ हुआ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है लड़कों के साथ। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आप आगे भी आप लोग अच्छी क्रिकेट दिखाएं और इसी तरह एंटरटेन करें जिस तरह हम लोग ग्राउंड में करें।